और दिल्ली के सुदामापुरी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही आप लोगों को गंदे पानी की समस्या से निजात मिलने वाली है, क्योंकि बीजेपी विधायक अजय महावर ने पुरानी पाइपलाइन को बदले जाने की दिशा में पहल की है और इसका शिलान्यास किया है। इस योजना पर करीब 30 लाख रुपए की लागत आएगी। सुदामापुरी और भजनपुरा में लंबे समय से गंदे पानी की समस्या की शिकायत मिल रही है। माना जा रहा है कि 3 महीने में पुरानी पाइपलाइन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इनकी नाराजगी जायज है, इनकी नाराजगी बिल्कुल ठीक है। अगर पीने को पानी साफ नहीं मिलेगा तो कैसे जिंदगी जिएंगे? मैं जून जुलाई में यहाँ आया था, बड़ी विकट स्थिति है, लेकिन तब से अब तक सरकारी प्रक्रिया में इतना तो समय लगता है और ये सबको पता है कि इतना समय लगता है। बजट पास हो गया है, वर्क अवार्ड हो गया है, कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो 120 दिन का समय है इस कार्य को पूरा करने का, लेकिन मैंने अधिकारियों को 100 दिन का निर्देश दिया है। अगले 100 दिन के अंदर इन 7 गलियों का नई पाइपलाइन जोड़ने का जो काम है वो पूरा हो जाएगा।